हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पान का पौधा है जो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से कटिंग लेकर के आया था। और उससे जो है मैंने ये ग्रो किया था, काफी अच्छे प्रकार से ग्रोथ में है अभी। लेकिन पहले के जो थे इसके ऊपर दो ही पत्ते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर से जो है नई नई जो है लीफ जो है डेवलप हो रही है। जैसे कि नीचे भी आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पर नीचे है। तो जैसे आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर जो है किसी भी शुभ अवसर पर जो है पान ही खाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में पान का जो है हम यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम बाजार से जो केमिकल से जो हमारा पान जो है तैयार किया जाता है, ना कि उसको खाकर अपने घर पर ही जो है ऑर्गेनिक देसी जो है हम पान को अच्छे प्रकार से ग्रोथ में ला करके उसको जो है अगर हम खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी फायदेमंद है, जिससे कि हम बहुत सारी होने वाली बीमारियों से ही बच सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने पौधा अपने यहाँ पर ग्रो किया है। इसको आप भी जो है अपने घर पर उगा सकते हैं, क्योंकि इसको जो उगाना बहुत ही आसान है। इसमें जो है जैसे आपका मनी प्लांट में एरियल रूट्स जो है डेवलप होती रहती हैं, तो आपके जो है प्लांट में एरियल रूट डेवलप होती रहती हैं पान के पौधे में भी। तो आप इसको जो है जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप ही देख सकते हैं इसके अंदर से जो है एरियल रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की जो है आप इसमें एरियल रूट्स जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एरियल रूट्स हैं हमारी। और जो है नीचे भी इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर जो है मैं ये देख सकते हैं, यहाँ से जो है हम इसकी ये भी जो है कटिंग करके जो आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जो है एरियल रूट्स हैं। आप जो है इसको जहाँ जहाँ से आपके एरियल रूट्स दिख रही है वहां से आपको इसको काट के लगा देना है, और ये काफी अच्छी ग्रोथ में जो है एकदम से आपको जो हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो है मौसम काफी अच्छा है। और इसकी जो मैं अगर बात करूँ मिट्टी के बारे में, तो आपको इसके अंदर जो मिट्टी ऐसी लेनी है जिसके अंदर पानी जो है आप डालें और एकदम नीचे जो चला जाए। आप जो इसको सोयल के अंदर भी लगा सकते हैं, और बालू रेत जो होता है उसके अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। बट आपको जो है ऐसी मिट्टी में या ऐसे जो इसके इसको रखना ऐसा है कि इसकी जो मिट्टी है वो भी जो है आपको थोड़ी नमी में बनी रहे मिट्टी के अंदर भी, और जो है पानी भी उसके अंदर ना भरे। और इसको जो रखने का अगर मैं आपको एंगल बताऊं, तो आपको जो इसको रखना है वो ऐसी जगह पर रखें जहां पर जो है आपको जो है इसमें डायरेक्ट जो है सनलाइट पड़े, और जो है ज्यादा तेज जो है डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। जैसे कि आप इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर आपको धीमी धीमी जो है आपको वहां पर हल्की मतलब कि कम तेज जो है वहां पर धूप आए, और जो है ये खुला हुआ भी अपने आपको जो महसूस करे वहां पर। और इस प्रकार से आपको रखना है। और जैसे कि आप मनी प्लांट को अच्छे प्रकार से उसकी केयर करते हैं, उसको जो है आप किसी लकड़ी वगैरह की सहायता से जो उसके बेल को भी ऊपर ले आ सकते हैं, तो वैसे ही आप इसकी भी जो बेल वगैरह को ऊपर ले आ सकते हैं मनी प्लांट की तरह बिल्कुल। और जो है इसमें जो है आपको घर का ऑर्गेनिक जो है खाद डालें, जैसे कि केंचुआ खाद हो गया, और जो है अपने घर पर ही जो है गोबर से बना हुआ खाद, जैसे कि भैंस वगैरह का जो खाद होता है आपकी जो, उसका भी जो है आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं सड़ा हुआ बिल्कुल, जो कि हमारा खाद बन गया उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। और अगर आपको जरा भी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं जाता है। तो आप इसलिए सब्सक्राइब करें, और जो है मैं ऐसी जो है लेटेस्ट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। और जो हमारा चंदन के जो दो पौधों का गिव अवे था वो जो है नहीं हो पा रहा है अभी, जो है मैं जो है अब जब लॉकडाउन जो है खुलेगा जही मैं दो पौधों का गिव अवे करूंगा, बट अभी जो है मैं गिव अवे नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन में सर्विसें बंद है। मैं यहाँ से नहीं पहुँच पाऊंगा, किसी का भी जो है कुरियर नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। तो इसलिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में ही जो है चंदन के पौधों का गिव अवे करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं किसी न किसी वीडियो में गिव अवे करता रहता हूँ, तो अगर आप भी गिव अवे में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें कि मैं जो के गिव अवे जो है लेकर के आता रहूं ऐसे ही। तो आज की जो है इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं इसको जो है अच्छे प्रकार से मैं आपको लगा करके भी दिखाऊं इसकी जो कटिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नई वीडियो आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।